हेलो गाइज, मैं सोनू कुमार, सोनू ऑनलाइन टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप जो है आज वैसे चीज़ सीखेंगे जो कि गूगल क्रोम में गुप्त सेटिंग रहता है। तो देरी न करके गूगल क्रोम मैं ओपन कर लिया और इसमें गूगल में क्रोम सर्च करेंगे तो देखिए सबसे पहले आ जाता है क्रोम यूआरएल। ये जो है छिपा हुआ रहता है और इसमें बहुत सारा यूआरएल दिया गया है। इसमें मेन रूप से हम बताएंगे आपको बायोमेट्रिक संबंधी प्रॉब्लम आती है AEPS चलाने में, इसमें इनवैलिड सर्टिफिकेट रहता है लिखा रहता है, तो उसे आप किस प्रकार से वैलिड कर पाएंगे, इनेबल कर पाएंगे। तो देखिए कहीं क्रोम फ्लैग नाम से रहेगा, क्रोम फ्लैग ये देखिए, तो यहाँ जो दिख रहा है क्रोम फ्लैग, इसे आप क्लिक कर लेंगे बिल्कुल। मैं क्लिक करके बताता हूँ और आपको आसानी से अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, मुझे मेरा इनेबल है तो मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ। यहाँ देखिए इनेबल है, तो ये जो आप अपने फीचर नहीं दिख पाता है, कितना को परेशानी होता है दोस्तों कि क्रोम फिर से डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैं आगे और बताता हूँ कुछ, क्रोम के संबंध में देखिए ये थ्री डॉट है, थ्री डॉट पर चले जाएंगे और सेटिंग पर जाएंगे, अब अबाउट क्रोम पर जाएंगे और देखिए 9.4.0 का वर्जन जो है अभी मेरा इस पर जो है EPS चल जाता है, मेरा फ़ोन तंग कर रहा है। मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, वीडियो भी बहुत छोटा छोटा बनाएंगे जिससे लाइक और व्यूअर ज़्यादा जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।